हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एमसीक्यू क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं एसर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। आई नो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एसर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराओ, वो बहुत कम अवेलेबल है। जो आपके पास बुक्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, उसमें भी बहुत कम अवेलेबल है, राइट? तो मैंने क्या किया, जितने भी आपके सैम्पल पेपर की बुक्स हैं, जैसे कि ओसवाल है, डी के गोयल है, अरिहंत है, कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम किए, तो यहाँ से हर जगह से जो जो मुझे एमसीक्यूज अच्छे लगे हैं वो सब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या है? फर्स्ट एसर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यू है। तो एसर्शन आपको गिवन है, एसर्शन में क्या गिवन है? अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। जो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन जर्नल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या लगता है आपको? ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आपको याद हो, हमने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा था, है ना? अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या था? अकाउंटिंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन से। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना कि हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी है। सेकेंड होता है उसको मॉनेटरी टर्म में वैल्यू करना, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद आता है हमारा रिकॉर्डिंग, हमारा फर्स्ट स्टेप। स्टार्ट हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस रिकॉर्डिंग से नहीं होता है, ठीक है? रीजन में क्या गिवन है? ऑल द ट्रांजेक्शन विच आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर क्लासिफाइड इन वेरियस लेजर अकाउंट्स। क्या ये सही बोल रहा है? ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तो हमारा assertion यहाँ पे सही नहीं है, लेकिन हमारा reason बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ईजी एमसीक्यू, कोई बात नहीं, कुछ आगे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर टू। एमसीक्यू नंबर टू क्या है आपका? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है अकाउंटिंग का? टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या ये सही बोल रहे हैं? हाँ, ये सही बोल रहे हैं। हमारा वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का होता है, ठीक है? रीजन में क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस वेदर रिलेटेड टू मनी और नॉट। ओ माई गॉड, क्या बोल दिया इसने? ये कह रहा है अकाउंटिंग सारी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है, बेशक वो मनी में रिकॉर्ड हो सकती है या नहीं हो सकती, मनी में मेजर हो सकती है या नहीं हो सकती। तो क्या लगता है आपको, आंसर क्या है इसका? क्या जो रीजन में आपको स्टेटमेंट गिवन है वो सही है? हाँ या ना? एसर्शन तो सही है, लेकिन रीजन हमारा गलत है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। Assertion is true, but the reason is false. Right? Next MCQ, देखो MCQ number 3. Okay, MCQ number 3 क्या है आपका? कि when the owner invests some money into the business, it should be assumed that the business owes money to the owner. आराम से पढ़ लो। Assertion में क्या लिखा हुआ है, जरा आराम से पढ़ो। कि when the owner invests the money into the business, it should be assumed that the business owes money to the owner. जब owner बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो ऐसा अजम्पशन है, ऐसा आप एज्यूम करते हो कि वो पैसा बिजनेस ओ करता है किसको? ओनर को। क्या ये सही बोल रहा है? हाँ या ना? ये बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन इसके बाद इसका रीजन देखते हैं क्या बोल रहा है। रीजन आपका है, अकॉर्डिंग टू दी मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल अ बिजनेस यूनिट शुड बी अंडरस्टूड एज अ सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस मैन। क्या लगता है आपको, क्या जो रीजन में आपको स्टेटमेंट गिवन है वो सही है या गलत है? क्या उसमें कुछ गलत है या वो बिल्कुल सही है? हाँ जी, जल्दी फटाफट, ये बिल्कुल गलत है। सर क्यों गलत है? सही बोल रहा है, जो आपको प्रिंसिपल यहाँ पे गिवन है वो प्रिंसिपल गलत है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये नहीं कहता है, ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता था कि जो ट्रांजेक्शंस आप मनी में मेजर कर सकते हो सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करो। जो इन्होंने ये बोला है अ बिजनेस यूनिट शुड बी अंडरस्टूड एज अ सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस मैन, ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? ये आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है, राइट? तो आपका रीजन गलत हो गया, एसर्शन आपका सही है। अगेन आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? हाँ जी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर फोर। एमसीक्यू नंबर फोर क्या कहता है? कि इफ देयर इज एन एंटीसिपेटेड लॉस, अगर कोई एंटीसिपेटेड लॉस है, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है, देयर शुड बी एडिक्वेट प्रोविजन इन द अकाउंट। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी होने वाली है, एक्सपेंस होने वाला है, कुछ भी होने वाला है, उसका प्रोविजन आप ऑलरेडी मेंटेन करके चलो। बिल्कुल सही बात है।
हम प्रोविजन किसका बनाते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपको लॉस हो सकता है, फ्यूचर में आपकी कोई लायबिलिटी हो सकती है, उसी का तो हम प्रोविजन बनाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म रिक्वायर्स अ बिजनेस टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस अबाउट द पॉसिबल लॉसेस। इट शुड गार्ड अगेंस्ट एनी पॉसिबल लॉसेस। ओके, तो रीजन में आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के बारे में कुछ कहा है कि इट रिक्वायर्स अ बिजनेस टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस अबाउट पॉसिबल लॉसेस। क्या ये सही है? ये 100% सही है। ये स्टेटमेंट जो आपको गिवन है वो 100% सही है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या आप बोल सकते हो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, दोनों एक ही बात है, नाम अलग अलग है। हाँ जी, एक ही चीज़ कहते हैं कि अगर एंटीसिपेटेड लॉसेज उनको रिकॉर्ड करो, एंटीसिपेटेड गेंस को इग्नोर कर दो। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो रीज़न है क्या वो एसर्शन की एक्सप्लेनेशन है या नहीं। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप क्या करो, एसर्शन के आगे एक वर्ड ऐड कर दो बिकॉज, उसके बाद आप पढ़ो रीज़न कि देयर इज एन एंटीसिपेटेड लॉस, देयर शुड बी एडिक्वेट प्रोविजन बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म रिक्वायर्स दिस एंड दिस। क्या ये सही कह रहा है? 100% सही कह रहा है। इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन क्या ही होगी। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? राइट, ओके। एमसीक्यू नंबर 5 पे चलते हैं फटाफट से। एमसीक्यू नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। एसर्शन में क्या लिखा है? सीसीडब्ल्यू लिमिटेड टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक, बैंक से लोन लिया फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, सो द अकाउंटेंट डेबिटेड द कैश अकाउंट। अच्छा, आराम से देखो क्या कह रहा है कि एक कंपनी है जिसका नाम आपको पता ही है, आपकी खुद की कंपनी है सीसीडब्ल्यू लिमिटेड। उसने बैंक से लोन लिया है अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, तो अकाउंटेंट ने क्या किया, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्या उन्होंने सही किया? ये स्टेटमेंट सही है? सोचो, जर्नल एंट्री, बहुत आसान एंट्री है। क्या सही किया? 100% सही किया। क्यों सर? जब भी आप लोन लेते हो बैंक से, कुछ भी लेते हो, तो आपने क्या किया होगा? अगर बैंक से आपने लोन लिया है, या तो आपने कैश अकाउंट को डेबिट किया होगा, अगर बैंक में ही आया है तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट किया, हाँ जी ठीक है। हो सकता है कि जो आपको लोन मिला हो कैश में मिला हो, ये बात तो ठीक है। ठीक है, अब रीजन में उन्होंने क्या बोला है? इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं? हाँ जी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई। जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं, मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था कि जब भी एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब बात आती है अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो रीजन है वो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? 100% है। आपको फर्स्ट में क्या लिखा है कि सीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने लोन लिया है, सो द अकाउंटेंट डेबिटेड द कैश अकाउंट बिकॉज इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। बिल्कुल सही बात है, आपका कैश इंक्रीज हुआ इसलिए आपने क्या किया, कैश अकाउंट को डेबिट किया। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। यस और नो, समझ में आता है? हाँ जी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 क्या कहता है? एमसीक्यू नंबर 6 कहता है कि देखो, जर्नल इज कॉल्ड द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को हम क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या ये सही है? हाँ जी सही है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको बोलते हैं? जर्नल को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो कहाँ पे होती है? जर्नल में होती है। लेजर इज कॉल्ड द बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। पहली बात, क्या ये स्टेटमेंट सही है? लेजर को हम बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं? हाँ जी बोलते हैं। लेजर को हम बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। जर्नल को हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रीजन आपको गिवन है क्या वो आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या एसर्शन की। देखो, पहली बात, जर्नल की बात हो रही है, एसर्शन में जर्नल की बात हो रही है और रीजन में लेजर की बात हो रही है, दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। हाँ या ना? आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन रीजन आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन की, ठीक है। समझ में आता है? हाँ जी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 7, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 7 क्या कहता है वो भी देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 कहता है कि कैश बुक इज बोथ अ सब्सिडरी बुक एंड एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक। कैश बुक एक सब्सिडरी बुक भी है और एक प्रिंसिपल बुक भी है। पहली बात तो ये देखते हैं कि यार ये सही बात कर रहा है या गलत बात कर रहा है। हाँ जी बोलो, फटाफट से बोलो, आंसर बताओ, क्या ये सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक दोनों होती है कैश बुक? बोलो यार, फटाफट बोलो। हाँ जी दोनों होती है, ठीक है। सब्सिडरी बुक मतलब एक तरह से क्या होता है कि जब आप जर्नल बनाते हो, क्या बनाते हो? जर्नल। जर्नल बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, मोटी बुक ना बन जाए, वॉल्यूमनेस ना हो जाए, हम क्या करते हैं, जर्नल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक्स। जर्नल के भाई बहन ही है सारे के सारे, कि परचेज की ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट वाली परचेज बुक में, क्रेडिट सेल्स सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न में, हमने क्या किया, सब्सिडरी बुक्स बना दी, जर्नल के काम बांट दिए।
ठीक है, तो उसको हम बोलते तो क्या है, कैश बुक को सब्सिडरी बुक तो बोलते ही है, ठीक है। प्रिंसिपल बुक का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल बुक आपकी क्या होती है, लेजर। लेजर को हम प्रिंसिपल बुक, फाइनल बुक, ये सब कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कैश बुक आपकी जर्नल और लेजर दोनों हैं? हाँ जी हैं। सर क्यों है? क्योंकि जब आप कैश बुक बनाते हो, क्या बनाते हो, कैश बुक, तो ना तो आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत होती है, कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। और जो आप कैश बुक बनाते हो, क्योंकि आपकी क्या है, सब्सिडरी बुक, तो जर्नल का काम भी करती है, तो जर्नल का काम भी हो रहा है और लेजर का काम भी हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, ठीक है। रीजन देखते हैं आप, कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजेक्शन्स एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द कैश अकाउंट। कैश बुक रिकॉर्ड्स द कैश ट्रांजेक्शन्स एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द कैश अकाउंट। क्या ये बात सही है कि कैश बुक में हम कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं और वो कैश अकाउंट को भी रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल सही बात है। अगेन, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या जो रीजन में आपको एक्सप्लेनेशन गिवन है वो सही है या नहीं है। अब देखो, अगेन हम क्या करेंगे, एक वर्ड ऐड करेंगे बिकॉज, और उसके बाद देखते हैं कि क्या कनेक्शन बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। कैश बुक इज बोथ अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक बिकॉज कैश बुक रिकॉर्ड्स द कैश ट्रांजेक्शंस एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द कैश अकाउंट। क्या ये सही है? सॉरी, क्या ये सही बात बोल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सही है कि कैश बुक में आप कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड का मतलब ही क्या होता है, रिकॉर्डिंग का मतलब ही होता है आपका जर्नल, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड भी करते हो और वो कैश अकाउंट को रिप्रेजेंट भी करता है। तो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, कि आप कैश अकाउंट को रिकॉर्ड कर रहे हो, इसका मतलब वो जर्नल का काम भी कर रहा है और वो कैश अकाउंट को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, तो इसीलिए वो प्रिंसिपल बुक भी है, मतलब वो कैश लेजर भी है। समझ में आता है? हाँ जी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 8, पेटी कैश बुक। ओके, इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक एनेबल्स टू कंट्रोल द पेटी कैश एक्सपेंसेस। इंप्रेस्ड सिस्टम, इंप्रेस्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां पे आप क्या करते हो, हर महीने कुछ अमाउंट एक फिक्स कर देते हो, अमाउंट कि भाई कुछ अमाउंट आप छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए अलग से निकालते हो। किसको दे देते हो, कैशियर को देते हो। तो उन्होंने क्या बोला, जो आपका इंप्रेस सिस्टम है, ये पेटी कैश बुक मेंटेन करने को हम क्या बोलते हैं, इंप्रेस सिस्टम एनेबल्स टू कंट्रोल दी पेटी कैश एक्सपेंसेस। बिल्कुल सही, जब आप छोटे मोटे एक्सपेंसेस का भी रिकॉर्ड अलग से मेंटेन कर रहे हो तो उन पे एक कंट्रोल रहने के लिए हेल्प होती है। बिल्कुल सही बात कर रहा है ये, 100%, ठीक है। ओके, रीजन देखते हैं, रीजन में क्या लिखा है, रीजन में लिखा है कि द इंप्रेस्ड अमाउंट इज डिटर्मिंड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इन सच अ वे दैट इट विल बी सफिशियंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ गिवन पीरियड। ध्यान से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। द इंप्रेस्ड अमाउंट इज डिटर्मिंड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ऑफ मैंने नहीं लिखा है, लिख लेते हैं, ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस इन सच अ वे दैट इट विल बी सफिशियंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ गिवन पीरियड। बेसिकली वो क्या कह रहा है, इंप्रेस्ड अमाउंट का मतलब मैंने आपको क्या बोला कि महीने के स्टार्टिंग में इतने पैसे होने चाहिए पूरे महीने के एक्सपेंसेस करने के लिए, छोटे मोटे एक्सपेंसेस करने के लिए, ठीक है। वो कह रहा है, वो कैसे डिटरमिन करते हैं, आप कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। ऑब्वियसली बात है कि पास्ट में आपके जितने भी पूरे महीने में खर्चे हुए होंगे उसके बेसिस पे आप एक इंप्रेस्ड अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हो कि इस महीने के स्टार्टिंग में इतने पैसे देने चाहिए मुझे, कितने किसके लिए, पेटी एक्सपेंसेस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं ना कि देखो, आपका बिजनेस है, आपको लगता है हर महीने मेरे 10,000 रुपये का खर्चा होता है, तो आप क्या करते हो, महीने के स्टार्टिंग में जो आपका पेटी कैशियर होगा, आपका अकाउंटेंट होगा, ठीक है, उसको क्या करते हो कि 10,000 रुपये देते हो। या आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको 10,000 देने, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, है ना, कि महीने में इतने के ही एक्सपेंसेस होंगे, इससे ज़्यादा शायद नहीं होंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल सही लग रही है। अब बात आती है अगेन कि क्या ये एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं। अब देखो, द इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक एनेबल्स टू कंट्रोल द पेटी कैश एक्सपेंसेस बिकॉज द इंप्रेस्ड अमाउंट इज डिटर्मिंड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। ये यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है कंट्रोल करने की, कंट्रोल द पेटी एक्सपेंसेस, ये कह रहा है कि इंप्रेस्ड अमाउंट डिटर्मिन कैसे होती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, राइट। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 9 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 क्या है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओ वेट, आई गेस ये एमसीक्यू पहले हम कर चुके हैं, है ना, शायद हम ये एमसीक्यू पहले कर चुके हैं और ये गलती से रिपीट हो गया है। हाँ, सेकेंड, है ना, ओके, सो गलती से मुझसे ये रिपीट हो गया तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 10 पे, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 10 देखते हैं, सेल्स बुक रिकॉर्ड्स बोथ द कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल्स। सेल्स बुक रिकॉर्ड्स बोथ द कैश एज वेल एज द क्रेडिट सेल्स। क्या लगता है आपको, सही है ये? हाँ जी, फटाफट से, सही है गलत है? ये बिल्कुल 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 गलत है, ठीक है। जो हम सेल्स बुक बनाते हैं, सेल्स बुक में हम सिर्फ और सिर्फ
क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, कैश सेल्स को हम वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जितने भी कैश वाले ट्रांजेक्शन होती है वो तो हमारी कैश बुक में जाती है, बेशक वो कैश परचेज हो, कोई भी कैश ट्रांजेक्शन हो, कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको। ठीक है, तो जो भी हमारी सेल्स बुक है, परचेज बुक है, इन सब में हम कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन को। तो ये assertion भाई साहब तो गलत बोल रहे हैं। रीजन में देखते हैं, द डिटेल्स ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर गिवन क्लियरली इन द सेल्स बुक एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू द सेल्स अकाउंट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक बात बताओ क्या रीजन सही है? द डिटेल्स ऑफ द क्रेडिट सेल्स दे आर गिवन इन द क्लियरली इन द सेल्स बुक। तो वो बोल रहा है सेल्स बुक में हम सेल्स क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, ये तो ठीक है, और जो हमारा बैलेंस आता है वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? सेल्स अकाउंट में, ये भी ठीक है। तो हमारा रीजन तो ठीक है, assertion गलत है, तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। राइट, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 11, बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज्ड बाय द बैंक इज रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको बोला है जो बैंक चार्जेस और कमीशन होते हैं, जो बैंक आपसे चार्ज करता है, वो रिकॉर्ड होते हैं सिर्फ पासबुक में। क्या सही कह रहा है? याद करो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जो भी आपके बैंक चार्जेस और कमीशन होते थे वो सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड होते थे। क्यों? रीजन पढ़ते हैं एक बार। द बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज आर नॉट नोन बाय द अकाउंटेंट ऑफ द एंटिटी। क्या बोल रहा है? क्योंकि ऐसा इसलिए है कि जो बैंक चार्जेस होते हैं, जो कमीशन होते हैं, वो अकाउंटेंट को पता ही नहीं चलता, जो बिजनेस का अकाउंटेंट होता है उनको पता नहीं चलता। तब तक पता नहीं चलता जब तक पासबुक नहीं मिलती, ये सुनो। तो जो भी बैंक चार्जेस लगाता रहता है, कमीशन चार्ज करता रहता है, वो हमारी सिर्फ पासबुक में ही रिकॉर्ड होती है। कैश बुक में तो तब रिकॉर्ड होती है जब उनको पता चलता है, जब उनके पास पासबुक आती है, तब तक तो पता ही नहीं चलता। तो एक्चुअली में ये दोनों चीज़ें सही है। अगर आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है कि बैंक चार्जेस कमीशन पासबुक में रिकॉर्ड होती है। क्यों होती है? क्योंकि कैश बुक तक तो बात ही नहीं पहुंचती, बिजनेसमैन को पता ही नहीं चलता कि भाई ये बैंक वाले हमसे चार्जेस ले रहे हैं। कब पता चलता है? जब पासबुक अकाउंटेंट को मिल जाती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही है और रीजन बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 12 अगेन बीआरएस का है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड और कलेक्टेड बाय द बैंक इज शोन ओनली इन द पासबुक। अच्छा अच्छा अच्छा, जो चेक आपने डिपॉजिट कर दिया बट क्रेडिट नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं हुआ, वो सिर्फ पासबुक में शो होता है, क्या ये सही है? सोच लो, आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है क्या? हाँ जी, गलत है। क्या है? गलत है भाई। चेक जो आपने डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, वो तो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में ही रिकॉर्ड हुआ, पासबुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। यस और नो? तो ये तो गलत है। पासबुक रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन डन थ्रू द बैंक एज एंड वेन चेक इज क्लियर्ड। क्या बोल रहा है? पासबुक में सिर्फ ट्रांजेक्शन तब रिकॉर्ड होती है, ठीक है, जब आपका चेक क्लियर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, जब तक आपके चेक क्लियर नहीं होते हम पासबुक में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। तो रीजन बिल्कुल सही बोल रहा है लेकिन assertion गलत है। अगेन आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? राइट, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 13, रेवेन्यू रिजर्व्स आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। ओके, प्रोविजन एंड रिजर्व इंपॉर्टेंट। जो आपका रेवेन्यू रिजर्व है वो आप यूज करते हो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, क्या ये सही है? हाँ जी, फटाफट से सही बोल रहा है क्या? हाँ जी, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। रेवेन्यू रिजर्व आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हो। रेवेन्यू रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस और रेवेन्यू प्रॉफिट्स। अच्छा जी, क्या बोला आपको रीजन में? कि जो आपका रेवेन्यू रिजर्व होता है, जो आपका रेवेन्यू रिजर्व होता है वो आप कहाँ से क्रिएट करते हो? अपने बिजनेस या रेवेन्यू प्रॉफिट से, क्या ये सही बोल रहा है? अरे हाँ बिल्कुल, क्या कह रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है। बात यह है कि एक्सप्लेनेशन सही है गलत है, ध्यान से सुनो। रेवेन्यू रिजर्व्स आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड बिकॉज रेवेन्यू रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस और रेवेन्यू प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है। क्यों है बिल्कुल सही बात? देखो, डिविडेंड का मतलब क्या है? डिविडेंड का मतलब है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। बिजनेस को जो भी प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको मैं क्या बोलता हूँ? डिविडेंड। तो डिविडेंड आप तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करते हो जब आपको बिजनेस में प्रॉफिट होता है। तो इन्होंने क्या बोला कि रेवेन्यू रिजर्व्स को आप यूज कर सकते हो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्योंकि बिकॉज रेवेन्यू रिजर्व आप कहाँ से बनाते हो? बिजनेस के प्रॉफिट से ही, तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये तो दोनों बातें सही हैं। आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा एमसीक्यू, तो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 14, जीएसटी। मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स आपके कवर कर लिए हैं तो मस्त रिविजन हो जाएगी आपकी। देखो, शिवम ऑफ मुंबई, मुंबई मतलब महाराष्ट्र, ऑफ सोल्ड गुड्स टू सुंदर ऑफ गुड़गांव, गुड़गांव का है हरियाणा में, एंड चार्ज 18% IGST।
अच्छा, शिवम जो मुंबई में रहता है उसने कुछ गुड सेल करे हैं गुड़गांव में, और उसने आईजीएसटी चार्ज करा, क्या सही करा है? बिल्कुल सही करा है। आईजीएसटी कब चार्ज होता है? जब इंटर स्टेट सप्लाई होता है, मतलब आप किसी और स्टेट में हो और आपने गुड्स कहीं और बेच दिए किसी और स्टेट में, तो आप कौन सा जीएसटी चार्ज करते हो? आईजीएसटी। रीजन में क्या है? आईजीएसटी इज चार्ज ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। ये तो बिल्कुल सही बात बोल दी इसने, रीजन बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये गलती से ई एफ जी एच लिखा है, ये क्या है? ए बी सी डी, ए है ये। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 15। अगेन यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़े ठीक कर लो आप, ए बी सी एंड डी। ओके, देखो जरा, डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग एवरी ईयर अंडर WDV मेथड। एज पर WDV मेथड आपका डेप्रिसिएशन हर साल डिक्रीज हो जाता है, हाँ या ना? बिल्कुल होता है। और क्यों होता है? क्योंकि देखो, WDV में आप डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हो? बुक वैल्यू पे। और मशीन की या फिर कोई भी एसेट की बुक वैल्यू हर साल क्या होती है? कम होती है। अब रीजन में क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स विच डिक्रीजेज एवरी ईयर। इसने तो बिल्कुल वही बात लिख दी जो मैंने आपको बताई, हाँ या ना? तो रीजन तो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। आसान एम सी क्यू था ये तो, है ना, कि आपका रीजन सही है, आपकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्योंकि डेप्रिसिएशन क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि बुक वैल्यू पे चार्ज होता है और बुक वैल्यू डिक्रीज होती है। बिल्कुल सही। सो आई होप आपको ये 15 के 15 एमसीक्यूज, 15 नहीं, इनफैक्ट हमने 14 एमसीक्यूज करे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो रिपीट हो गया था, तो आपको ये सारे एमसीक्यूज समझ में आए होंगे, आपके चैप्टर्स भी रिवाइज हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, टेलीग्राम पे मैंने एक स्पेशली डाउट्स के लिए ग्रुप बना रखा है, वो ज्वाइन कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स वहाँ पे सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई मटेरियल चाहिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।